BJP National President JP Nadda has slammed the Congress chief Mallikarjun Kharge just 2 days after the latter wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi raising concerns over quote-unquote extremely objectionable and violent and rude remarks made by the NDA leaders against Rahul Gandhi. He has called Congress leader Rahul Gandhi a failed product. He has also said that after reading Kharge's letter, he felt that things said by Kharge are far from truth. Meanwhile, the Union Minister Giriraj Singh has also slammed Kharge's letter. He has said that Kharge does not represent the Congress, rather he represents Rahul Gandhi. Meanwhile, the Congress leader Pawan Khera reacted to the attacks by the BJP and said that Kharge has written a letter on a very serious note. He has also claimed that the BJP leaders are threatening to kill Rahul Gandhi. Let's listen into this political war of words between the BJP and the Congress. Kharge ji ki mansikta batata hai कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो राहुल गांधी के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा कि 20 सीट अगर मिल गया होता तो नरेंद्र मोदी सहित इन लोगों को जेल में डाल देते। ये तानाशाही मानसिकता है, ये राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मुसलमानों का कर्नाटक सहित पूरे देश में हंगामा कर रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। जब राहुल गांधी देश को गाली दे रहे थे, उस समय उनकी जुबान नहीं खुली। वो जानते हैं कि अगर मैं राहुल गांधी पर बोलूंगा तो सीताराम केसरी का फटा हुआ कुर्ता और कपड़ा देखा है। और ये प्रधानमंत्री को खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी, एक बहुत गंभीर विषय पे चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप है। ये चुप्पी क्या बताती है? ये चुप्पी बताती है कि इस साजिश के पीछे पूरी की पूरी भाजपा है। ये चुप्पी बताती है कि जो चुप हैं वो सहमत हैं इन बयानों से। आज नड्डा जी की चिट्ठी से ये साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, ये सब राहुल गांधी जी को जान से मार देने की बात से उस Okay, Kanika on the telecast with me. Kanika, a massive war of words that has again been erupted after Mallikarjun Kharge wrote to Prime Minister Narendra Modi over the allegedly rude remarks, as he says, on Rahul Gandhi. Now, this entire row erupted when there was a comment made by a BJP leader from Uttar Pradesh who attacked Rahul Gandhi and called him a terrorist. देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर जिस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से दिए गए, खासतौर पर केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे वो सिंधे गुट के नेता हो, उन तमाम नेताओं की तरफ जो बयान दिए गए, उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन वाले दिन उनको पत्र लिखा था और कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री से कहा था कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद अब बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे अटैक कर रही है। आज सुबह ही जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा और उन्होंने कहा है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सी बातें बोली हैं, बल्कि सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दिए हैं मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। इस तरह की चीजें को लेकर जेपी नड्डा ने आज जो लेटर लिखा उसके साफ तौर पर अब बीजेपी की ओर से जो है प्रहार किया गया है कांग्रेस पार्टी को लेकर, कि जिस कांग्रेस पार्टी जो आज इंसाफ की या डेमोक्रेसी की बात कर रही है, जब उनकी बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी को वो डेमोक्रेसी या वो इंसाफ नहीं दिखता है। और जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी 10 सालों में जो है लगातार बीजेपी सरकार को और प्रधानमंत्री को गाली देती आई है, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन आज जब राहुल गांधी के लिए कुछ बोला जा रहा है तो स्टे ऑन विद मी जॉइनिंग मी ऑन द टेलीकास्ट इज अंशु अवस्थी, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। अंशु अवस्थी, व्हाट डू यू मेक of the comments that are coming in from various BJP leaders? Earlier it was JP Nadda who said that Rahul Gandhi is a quote-unquote failed product. भारतीय जनता पार्टी की सोच बार बार इस संविधान के विरोध में, जो संवैधानिक पद पर बैठे श्री राहुल गांधी जी हैं, उन पर हिंसक टिप्पणी करने वालों को प्रमोशन और हिंसा के साथ है। हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को एक सांस्कृतिक और आदर्श की बात करती थी, वो उन नेताओं पर कार्रवाई करेगी जो श्री राहुल गांधी जी, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, देश के लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष नंबर दो होता है, उन पर हिंसक टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करे। लेकिन उसी तरीके का घिसा पिटा उनका बयान आया जिस तरीके की एक आशंका थी। आखिर ये सवाल बीजेपी के ऊपर बार बार है
कभी खड़गे जी को गाली देते हैं, खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, 50 साल का उनका कार्यकाल है, उनका राजनीतिक अनुभव है। आखिर क्यों बीजेपी इस देश के संविधान, इस देश के दलितों, इस पिछड़ों, महिलाओं के खिलाफ क्यों खड़ी होती है? अंशु अवस्थी जी, यहाँ पे एक जेपी नड्डा ने ये भी कहा है कि ये बीजेपी के लीडर्स ने कोई ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स नहीं कसे हैं राहुल गांधी पर, जबकि उन्होंने एग्जाम्पल दिए सोनिया गांधी की, कांग्रेस के टॉप लीडर गांधी परिवार से, जहाँ पे उन्होंने अटैक किया है कांग्रेस को, कहा है कि इट वॉज सोनिया गांधी हु कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोट अनकोट मौत का सौदागर। सोनिया गांधी जी के और गांधी परिवार के बारे में बोलने से पहले उनको उनका इतिहास पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। पंडित नेहरू हों, इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, और सोनिया गांधी जी जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए प्रधानमंत्री जैसे पद को नहीं छुआ। But then does this justify सोनिया गांधी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी मौत का सौदागर? I am not endorsing the BJP leaders' comment on Rahul Gandhi. They were equally objectionable. पर यहाँ पे क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि सोनिया गांधी का जो कमेंट था मौत का सौदागर वो सही था? नहीं, आप बताइए कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप कहते हैं कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को, गर्दन काटने वाले को हम 11 लाख का इनाम देंगे। राहुल गांधी का वो हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ, एक भाजपा सरकार के मंत्री okay. इस तरीके से बोलेंगे? ओके, लाइक आई सेड, आई एम नॉट गोइंग टू कंडेम, आई एम नॉट गोइंग टू कंडोन व्हाट द बीजेपी लीडर स्पोक अबाउट राहुल गांधी कॉलिंग हिम अ टेररिस्ट, बट the kettle can't call the pot black. Also on the telecast with me is Manoj Tyagi, BJP leader, BJP spokesperson. Manoj Tyagi, how do you have to react to Anshu Awasthi of the Congress talking about how it is the BJP that has been at fault time and again, and the objectionable comment that has been the point of contention here on the basis of which Mallikarjun Kharge wrote the letter to Prime Minister Narendra Modi? Mukesh Tyagi, can you hear me? Yeah, I can hear you, Megha. So, Mukesh Tyagi, how do you react to what the Congress at this point of time is saying, that there have been time and again attacks that have been made by BJP leaders on Rahul Gandhi which are unwarranted? What about Congress making all vituperous and very, very demeaning comments against Honorable Prime Minister Modi ji? Mallikarjun Kharge called him panoti, saap, बोटी बोटी कर देंगे और खून की दलाली। आई मीन हु स्टार्टेड दिस लेक्सिकॉन एंड ऑल दिस? बट मुकेश त्यागी, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम नॉट, आर यू इन अग्रीमेंट दैट योर लीडर मिस्टर बिट्टू क्रॉस द लाइन एंड मेड दोज ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स कॉलिंग राहुल गांधी अ टेररिस्ट? You see, I'm not individually, neither party is taking officially owning these comments. Let me tell you one thing. I mean, neither... You are the BJP spokesperson. No. You are officially talking to me as a spokesperson of the BJP, as the voice of the BJP. Do you condemn this statement made by Mr. Bittu? We don't want to encourage anyone, whosoever he may be, to speak anything which is not a parliamentary language. It is below the dignity of Bharatiya Janata Party. But yes, it has been in the past. Because of the election, lots of exchanges of very, very abusive words have happened. We are completely not supporting any such comment. But what is happening to Congress? Look at Megha, the way they are talking about Modi ji, they are talking about everybody. Rahul Gandhi ji is going to all over the world and condemning our democracy, I think, okay. First time. Okay, all right. Anshu Awasthi, if he's still on the phone line with me, Anshu Awasthi, how do you have to react to what Manoj Tyagi has said? Mukesh Tyagi has said, he's spoken about how the Congress and particularly Rahul Gandhi go about denigrating the country across the globe. He's hinting at the visit, that the latest visit made by Rahul Gandhi in America. Hello? Do we have Anshu Awasthi on the phone line with us? So Anshu Awasthi, Mukesh Tyagi has said that Rahul Gandhi, जहाँ पे भी जाते हैं दुनिया भर में भारत को बदनाम करते हैं। आपको लगता है?
राहुल गांधी जी अगर अमेरिका में जाकर कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो उनसे उदार नेता कोई हो सकता है? वो इस देश के दलितों पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बीजेपी जो बार बार लोकतंत्र में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं का अपमान कर रही है, संविधान की हत्या करने की सोचती है, कभी देश के ऊपर आप तानाशाही थोपना चाहते हो, जनता देख रही है, क्योंकि आप देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करते रहे। परिणाम ये है कि आज देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद इस बात को कहते हैं दबे मुंह। तो ये दिखाता है कि बीजेपी की जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है कि संविधान को बाबा साहब बनाए, संविधान को खत्म कर दिया जाए, जातीय जनगणना पर चुप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी अगर ये सवाल उठाते हैं तो क्या देश का अपमान है? और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते थे विदेशों में जाकर कि ये जो है अंधविश्वास करने वालों का देश है। Okay, Mukesh Tyagi, would you like to react? Would you like to counter react to what Anshu said? Anshu Awasthi said. Let me tell you, Congress is completely against Jati Jangarna. Look at the statement which Rajiv Gandhi has made, Indira Gandhi ji has made. 2011 caste census happened. They did not implement it. What happened? Why didn't they implement in Karnataka? So these people are diversifying. They have a multiple standard. What today defense minister of Pakistan is exactly saying that we are on the same page as Congress and National Conference on restoration of 370, but Congress manifesto is conspicuously silent on reinstatement of Article 370, and they are partners in the politics. So you know, this kind of deceitful politics, deceitful style of taking this country backwards. 90 times, Megha, this Congress government had dismissed elected government of the states and throughout that. Give us one example where we have, look at West Bengal, okay. These two pinnacles okay, of power. Okay, all right. You know, at this point of time, like I said, two wrongs don't make a right. So this political slugfest continues about, and particularly the issue that has been raised by the Congress is right. How can any leader from any political party call Rahul Gandhi, who is a tall leader in our country, who is the leader of the grand old party of the country, Rahul Gandhi, a terrorist? I thank Anshu Awasthi and Mukesh Tyagi for joining me on the telecast and sharing their views. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.